नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्र के कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य बताऊंगी जो आप पहले कभी नहीं जानते थे और जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज़। मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी कि जितनी दो दुश्मन भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वे लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ करते थे। मिस्र के लोगों को फोटोज़ में सिर पर जो बाल अलग होते हैं वे असली नहीं बल्कि विग हैं। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके सिर पर ना पड़े। नौकरों को भी दफनाया जाता था राजाओं के साथ। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। पहले लोग नौकरों के सर पर वार करके उनको बेहोश कर देते थे और फिर उनको दफना दिया करते थे। क्या आपको पता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र की नहीं थी? अलेक्जेंड्रिया में जन्मी हुई क्लियोपेट्रा यूनानी परिवार मक्लोडिया से ताल्लुक रखती थी। क्लियोपेट्रा टॉलमी वंश की पहली सदस्य थी जो कि मिस्र की भाषा बोल सकती थी, लेकिन वो मिस्र वंश की नहीं थी। मिस्र के लोग अजीब शक्ल के लोगों को नौकरी पर रखते थे। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको बहुत खुशकिस्मत समझा जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सोने के कारखाने में। विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में नहीं आते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था। बिल्लियों से बहुत लगाव था इनको। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मरती थी तो वे अपनी भौंहें सेव कर लेते थे। वे बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहा और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वह बिल्ली ही है। गुलामों ने नहीं बनाए थे पिरामिड। प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, वे कलाकार थे जिनका नाम इन स्मारकों के नीचे लिखे हुए नजर आता है। दिल नहीं निकाला जाता था मम्मी बनाने के दौरान। ये बात तो सबको ही पता होगा कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दा को पट्टी बांधने से पहले उसके अंदरूनी अंग निकाल दिए जाते थे। मुर्दों का दिमाग उनके नाक से निकाला जाता था, उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गीजा का मशहूर पिरामिड ओरायन की बोल्ट के साथ संरेखित है। हालांकि इस बात पर कई बार बहस हो चुकी है। इसके अलावा ओरायन को मिस्र के पुनर्जन्म के देवता ओसीरिस से भी जोड़ा जाता है। ज्यादातर पिरामिड लूटे जा चुके हैं। माना जाता है कि तूतनखामा की मृत्यु के तुरंत बाद उनका पिरामिड लूटा गया और लुटेरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वापसी में एक बड़ा थैला गिरा दिया। थैले में पाया गया त्रिकोण नियॉन की तरह चमकते थे जो कि खजाना की तरफ का रास्ता दिखाते थे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।